स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाई संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं बिस्किट पुडिंग, बहुत टेस्टी बनता है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। एक बर्तन ले लिया है, गैस अभी मैंने ऑन नहीं किया है। 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1/2 कप चीनी, 1.5 कप दूध। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। अभी गैस मैंने ऑन नहीं किया है, गैस ऑन करेंगे। लगातार चलाते हुए घोल को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। घोल गाढ़ा होने लग गया है, 1 बड़ा चम्मच बटर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। घोल हमारा गाढ़ा हो चुका है, गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट का लिया है, 1 कंटेनर ले लिया है जिसमें भी पुडिंग सेट करना हो। बिस्किट लगा लेंगे, जैसे एडजस्ट होगा वैसे लगा लेंगे बिस्किट के टुकड़ों को। ये जो हमने घोल तैयार किया है आधा बिस्किट के ऊपर डाल देंगे। इक्वल कर लेंगे, चारों तरफ से इक्वल करेंगे स्प्रेड करते हुए अच्छे से। इक्वल कर लिया है, इसके ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट डाल लेंगे। फिर से बिस्किट की लेयर लगा लेंगे, हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, सेट हो जाएगा। फिर से सेकेंड लेयर रखेंगे घोल का जो हमने तैयार किया है। इक्वल कर लेंगे अच्छे से, इक्वल कर लिया है, ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट डाल लेंगे, एक साइड में रख लेंगे। एक बाउल ले लिया है, 3/4 कप व्हिपिंग क्रीम, 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर। क्रीम को इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर से गाढ़ा होने तक फेंट लेंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस, कुछ बूंदे पिंक कलर की। मिक्स कर लेंगे कलर को अच्छे से। क्रीम हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, पुडिंग वाला कंटेनर ले लेंगे, इसके ऊपर से व्हिप्ड क्रीम रखेंगे। इक्वल कर लेंगे चारों तरफ से अच्छे से। क्रीम को मैंने अच्छे से इक्वल कर लिया है और चारों तरफ से कंटेनर को अच्छे से साफ कर लिया है। डेसिकेटेड कोकोनट स्प्रेड कर लेंगे ऊपर से, बिल्कुल हल्के हाथों से इक्वल कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, नहीं तो क्रीम हमारा उलट पलट हो जाएगा। ऊपर से ढक्कन लगा देंगे या क्रिंग रैप से रैप करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ऐसे 4 से 5 घंटे में भी पुडिंग सेट हो जाता है, पर अच्छे रिजल्ट के लिए ओवरनाइट छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा बिस्किट पुडिंग अच्छे से सेट हो चुका है सर्व करने के लिए। कट लगा लेंगे, कट लगा लिया अच्छे से। निकाल कर दिखाती हूँ मैं आपको। आप देख पा रहे होंगे मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था पुडिंग को फ्रिज में, तो काफी अच्छे से सेट हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिए बिस्किट पुडिंग। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।